हाय दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक क्वेश्चन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन पे देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोग ने सॉल्व किया था, इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं आज, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन देखें, और वो देखने से आपको फायदा होगा कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आएगा और अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो आप पिछला वीडियो देखें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज का क्वेश्चन हमारा है, अ कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट एंड एलोटेड इट टू इट्स एम्प्लॉई। एक कंपनी है जो रेंट पर घर लेकर अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए देती है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पर स्क्वीट्स ऑफ अकोमोडेशन। मतलब इस घर का आपको वैल्यू बताना है कि क्या होगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जिससे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि रेंट फ्री हाउस कैसे कैलकुलेट होगा और कितना होगा, ठीक है। जिसमें नंबर वन दिया हुआ है, रेंट पेड फॉर द ईयर 60,000। एक साल का रेंट पे किया गया है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, कितना, 60,000। उसके बाद दिया हुआ बेसिक सैलरी, मतलब जो इम्प्लॉई है उसका बेसिक सैलरी दिया हुआ है 25,000 पर मंथ, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिलता है पर मंथ 10,000, ठीक है। उसके बाद बोनस फॉर द ईयर, पूरे साल का उसे बोनस दिया जाता है 80,000। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब ये हुआ कि उसे फर्नीचर भी दिया गया है, मतलब ये घर जो उसको मिला है वो फर्निश्ड हाउस है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है 60,000, ठीक है। रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई, ये पर मंथ 1,000 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ एम्प्लॉई के ऊपर भी 1,000 रुपया का रेंट चार्ज कंपनी करती है, उसके सैलरी से 1,000 रुपया काटा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज ये जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें हम लोग थोड़ा बदलाव कर करके पूरा जितने भी तरह का कैलकुलेशन हो सकता है क्वेश्चन से, या जितने तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में, हम लोग वो सारा इसमें कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा चेंज करना होगा और वो करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो पूरा अंत तक देखें आप, ताकि आने वाले और वीडियो बनाना ना पड़े मुझे। और इसी एक क्वेश्चन से जितने भी तरह का रेंट फ्री हाउस का क्वेश्चन हो सारा कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और पूरा देखिए वीडियो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस इम्प्लॉई के बारे में बात हो रही है, यानी जिसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं रेंट फ्री हाउस का, वो गवर्नमेंट इम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉई है, अदर इम्प्लॉई है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया है कि वो गवर्नमेंट इम्प्लॉई है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अदर इम्प्लॉई है। तो हमें इसमें देखना ये है कि जो घर उसे मिला हुआ है एम्प्लॉई को, उसका जो रेंट है वो कंपनी खुद पे करती है या वो घर कंपनी का अपना है, ठीक है। उस घर का रेंट कंपनी पे करती है या कंपनी का अपना है। तो यहां पे दिया हुआ है कि कंपनी उसका रेंट पे करती है, यहां पे दिया है कि कंपनी रेंट पे करती है। इसका मतलब हुआ इस कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब कंपनी इसका रेंट पे करती है घर का। ऐसी स्थिति में वैल्यू कैसे लगाते हैं, तो वैल्यू लगाने के लिए विच एवर इज लेस, कौन कौन सा, नंबर वन रेंट पे और 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो हमें ये दो चीज चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रेंट पे दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60,000, ठीक है। अब उसके बाद 15% ऑफ सैलरी चाहिए, तो कौन से सैलरी का 15%, तो इसके लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था
कि क्या क्या इस सैलरी के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या क्या हमें लेना है, यहां फिर से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो कि दिया हुआ है पर मंथ 25,000। तो 25,000 इंटू 12 हम ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ईयरली कैलकुलेट करेंगे 25,50, ये 3 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई अलावेंस ऐसा है क्या जो टैक्सेबल हो, तो उसमें दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलावेंस जो टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलावेंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना ये एंटरटेनमेंट अलावेंस है, ठीक है। ये दिया हुआ है पर मंथ 10,000, 10,000 इंटू 12 ये हो गया 1,20,000, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि बोनस मिलता है क्या उसे, तो यहां दिया हुआ है बोनस पूरे साल का 80,000 रुपया। बोनस कितना है, बिल्कुल 80,000। ये हम जोड़ देते हैं, हमें सैलरी मिल जाएगा किस लिए, तो कैलकुलेशन के लिए, फॉर रेंट फ्री हाउस। 8 और 2 10 3 1 4 और 1 5 ये पूरा 5 लाख आता है, ठीक है। तो हमने बात किया पहले नंबर 1 रेंट पेड, नंबर 2 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना कैलकुलेट करके हम लोग लेके आए, 5 लाख, इसका 15% हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 3 अंडे और 15 5 जा 75, ठीक है। अब जो वैल्यू लगेगा, वैल्यू विच एवर इज लेस, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, दोनों में जो कम होगा कौन कम है, तो 60,000। मतलब उस घर का वैल्यू क्या होगा जो इंप्लॉय को मिला है रहने के लिए, किससे, तो कंपनी से, उसका वैल्यू होगा 60,000। अब हमें यह देखना है कि इंप्लॉय अपने सैलरी से कुछ रेंट के तौर पे पे करता है क्या, तो यहां दिया हुआ है लास्ट में देखिए रेंट चार्ज फ्रॉम इंप्लॉय पर मंथ 1,000, तो ये लेस कर देंगे, लेस रेंट पेड बाय इंप्लॉय, अगर 1,000 पर मंथ है तो ईयरली अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 12,000। अब इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका 48,000। तो यही 48,000 सैलरी में कंप्यूटेशन के लिए फॉर रेंट फ्री हाउस आपका कंप्यूट करने के लिए जो सैलरी कंप्यूट होगा आपका, उसमें रेंट फ्री हाउस के नाम से आप ये 48,000 कैलकुलेट करके वहां पे डालोगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, वैल्यू निकल गया अपना, जो हम जिस घर का वैल्यू निकाल रहे थे एम्प्लॉय के लिए वो निकल गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, और क्या हो सकता है क्वेश्चन में, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसके हिसाब से। यहां हमने देखा कि ये जो घर मिला हुआ है एम्प्लॉय को वो रेंट पर लेकर कंपनी ने दिया था। अब हम ये मान लेते हैं कि ये घर जो है रेंट पर ना लेकर ये घर कंपनी का अपना है, तब यहां क्वेश्चन क्या होता, अ कंपनी अलॉटेड एलोटेड हाउस टू इट्स इंप्लॉई, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा घर उन्हें दिया जा रहा है जो कंपनी का अपना है, वैसी स्थिति में ये रेंट होगा ही नहीं, पहली बात ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि एक कंपनी है जो एक घर देती है अपने इंप्लॉई को, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रेंट पर लेके दे रही है, तो ये माना जाएगा कि कंपनी का अपना घर है।
वैसी स्थिति में जो इम्प्लॉई को घर मिला हुआ है, हम लोग ये देखेंगे कि वो जो घर मिला हुआ है, अगर इम्प्लॉई के तौर पर वो रेंट वाला नहीं है, कौन सा है, ऑन्ड हाउस है, ठीक है, या ऑन बाय इम्प्लॉयर है, इसका अपना घर है कंपनी का और वो इम्प्लॉई को दिया गया है रहने के लिए। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान देंगे तीन बातों पर, पॉपुलेशन, जिस शहर में वो रहता है उसका पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे, 25 लाख से अगर ऊपर है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है या 10 लाख से कम है, और अगर 25 लाख से ऊपर होगा तो हम पहले ही आपको बता देते हैं 15% ऑफ सैलरी घर का वैल्यू होगा, और 10 से 25 के बीच में अगर होगा तो 10% ऑफ सैलरी होगा, और अगर 10 से कम होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार। अब मुझे मालूम है कि ये रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये पहले ये घर रेंट पर ले रखे थे, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो कंपनी का अपना घर है। ऐसी स्थिति में हम ये मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि पॉपुलेशन जो है, तो हम मान लेते हैं कि सिटी का, जिस सिटी में ये घर मिला हुआ है एम्प्लॉई को, वहां का पॉपुलेशन 60 लाख है, 60 लाख है। आपको ये क्वेश्चन में देखना है कि पॉपुलेशन कितना है शहर का, और अगर 60 लाख है तब ऐसी स्थिति में ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, और इसमें क्या है कि मोर देन 25 लाख होगा अगर, तो 15% ऑफ सैलरी वैल्यू होगा घर का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 15% ऑफ सैलरी लगाएंगे, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 लाख जो सैलरी पहले कैलकुलेट हुआ था उसी सैलरी का निकालना है हमें किसी भी स्थिति में, इंटू 15/100। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 75,000, ठीक है दोस्तों। अब ये 75,000 घर का वैल्यू होगा जो घर कंपनी ने इंप्लॉय को दिया रहने के लिए। अब इसमें से रेंट जो वो पेमेंट किया है, लेस रेंट पेड बाय इंप्लॉय 1,000 × 12, ये घटा देते हैं, लेस करने के बाद बचेगा 63,000, तो ये वैल्यू होगा जो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा फॉर रेंट फ्री हाउस। अब ये मान लेते हैं कि इस सिटी का, जिस सिटी में उसे घर मिला हुआ है, उस सिटी का पॉपुलेशन जो है वो है 16 लाख, 16 लाख, ठीक है दोस्तों, पॉपुलेशन। तो ऐसी स्थिति में कौन सा रूल फॉलो होगा, तो ये वाला 10 से 25 के बीच में, तब जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तब जो वैल्यू होगा वो होगा 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितना है, 5 लाख, ठीक है, और इसका 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 50,000, ठीक है, और 50,000 में इंप्लॉई के द्वारा जो रेंट पे किया जा रहा है वो कितना है, 12,000, या उसके सैलरी से इतना रुपया काटा जा रहा है, वो 12,000 जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 38,000, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से ये भी हो गया, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए पॉपुलेशन आपका दिया हुआ रहे 8 लाख, पॉपुलेशन 8 लाख दिया रहेगा, तो फिर कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा, तो वो हो जाएगा ये कंडीशन, 10 लाख से अगर कम हो तो 7.5%, तो 7.5% अगर होगा 37,500, ठीक है दोस्तों, और फिर जो इंप्लॉई के द्वारा 12,000 पेमेंट किया गया है रेंट के तौर पर, 1,000 रुपया पर मंथ,
वो घटा देते हैं तब हमें मिल जाएगा ट्वेंटी। इस तरह से हमने देखा कि जितना भी यहां पे कंडीशन था सारा का सारा हमने देख लिया है। जो भी क्वेश्चन में हो सकता था वो सब मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉई हो तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट इंप्लॉई अगर होगा तो क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा गवर्नमेंट का रूल क्या है वैल्यू लगाने का, और वो दिया रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए फिर ये सब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसे बताने की जरूरत है नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू आ रहा है ये अनफर्निश्ड घर का है, अनफर्निश्ड हाउस का, और यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्नीचर भी दिया गया है उसे, कितने का 60,000 का। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जितना भी कैलकुलेशन अभी तक हमने वैल्यूएशन का देखा है सब में क्या कीजिएगा कि आप ऐड कर दीजिएगा ये जो फर्नीचर उसे मिला हुआ है उसका 10%, 60,000 का 10%, मतलब 6,000 ये अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो फर्निश्ड हाउस का वैल्यू हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसके लिए आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फर्निश्ड हाउस होगा तो जितना भी फर्नीचर का कॉस्ट होगा आप 10% उसका निकाल के कैलकुलेट करके आप जोड़ देना जो वैल्यू अनफर्निश्ड का होगा। अनफर्निश्ड का वैल्यू मैंने निकालने का पूरा जितना भी तरीका है, जितने भी तरह से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मैंने सारा बता दिया है। अब हमको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, एक वीडियो देखिए, इसे देखेंगे आपको सारा जितना भी कंफ्यूजन है सबका सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।